हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी लोग को स्वागत है हमारे इस छोटी सी वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे गांव में जो है SHG महिला ग्रुप, उनका बम्बू हैंडीक्राफ्ट दिखाने वाला हूँ आज। खाना बना वो बोल रहा हूँ, डोला परला बोल रहा डोला परला डायनासोर मजूर लेटर बॉक्स बास्केट सबूटा है मंदिर मंदिर बास्केट सब जिन फुलदानी सब अच्छे। दोस्तों, ये लोग बहुत पहले से मेरे बड़े पापा जो गुजर गए, और जब थे तो चेयर का भी बंबू का बना रहे थे, भैया लोग हैं वो लोग बना रहे हैं अभी। और दो लोग मेरे भैया हैं, एक जगदीश मांझी और महेंद्र मांझी, वाला जगदीश मांझी है छोटा वाला भाई। अपने बाहर के ट्रेनिंग दे गई समझे, झनकटा सर लाने जगदीश अपना बड़गड़ की जैसे बड़गड़ भाई भाई मास्टर ग्रुप पटे उनके सिखाते ऐसा जी ग्रुप के हैं सिखाते ना। दोस्तों, ये है महेंद्र मांझी जो बम्बू हैंडीक्राफ्ट के ट्रेनर हैं, और ये बाहर जाके भी ट्रेनिंग देते हैं। और हम लोग का खुद गाँव का SHG ग्रुप महिलाओं को भी ट्रेनिंग दिए हैं भैया ने। तो ये सब बनाते हैं यहाँ के महिला SHG ग्रुप, और भैया से थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। हैंगिंग लैंप, दोस्तों ये हैंगिंग लैंप है, एक क्लिप है दोस्तों, जो लड़की लोग लगाते हैं क्लिप वही वाला है। देखिए ये वाला पेन स्टैंड, दोस्तों ये पेन स्टैंड है, लेटर बॉक्स। ये टेबल लैंप है दोस्तों, ये वाला, और फुलदानी वो भी सीनरी सब है, बहुत अच्छा है। और फ्रूट दोस्तों, ये फ्रूट बास्केट है, ये हम लोग का प्लास्टिक का टेबल में रहता है ना, फ्रूट रखते हैं, ये वही वाला है, बांस का है। देखिए बहुत ही सुंदर है, इसका डिजाइन देखिए। और ये एक टू है, देखिए इनका रेट के बारे में पूछेंगे बाद में पूछेंगे, पहले देख लेते हैं क्या ये भी दोस्तों हैंगिंग लैंप है, पूरा सिस्टम किया गया है, यहाँ बल्ब लगता है देखिए। दोस्तों ये भी भैंस है, देखिए फुलदानी फुलदानी, और इसका भी डिजाइन देखिए, सीनरी है ये गणेश का। इटा केबे नु स्टार्ट करी छन ना, जा तुम्ही मगे मसियानु काम करते करते आसी छ पढु थिले, आओ मोर बापा आगो करु थिले, ମୋର ବାପା ଆଉ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏଣୁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କଟା ଦେଖି ଦେଖିକିରି 90 ମସିହାନୁ କଲି, ଏଣୁ 93 ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲି, 93 ଢେଙ୍କାନାଳ ପହଲା ଗଲି,
ଏନୁ ମାଷ୍ଟର ହେଇକିରି ବାହାରେ ବାହାରେ ଥିଲି ଏନୁ 2007ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗୁଜୁରାଟ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ସଂସ୍ଥାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଲି ଆଉ ହେନି ତ ଏଛେନ୍ ତ କାମ କରୁଛେ ଇନର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନକେ ବି ଶିଖଉଛେ ଏଛେନ୍ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ଥି ମାଷ୍ଟର ହେଇକିରି ଅଛେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଇଗଲ ମୟୂର ଡାଇନୋସର ଚୌକି ଟେବୁଲ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ବନୁଛେ ଆଉ और दोस्तों ईगल भी बनाते हैं लेकिन अभी फिलहाल यहाँ नहीं है भैया तो अभी बरगढ़ में बेसिक तरह से ट्रेनिंग करवा रहे हैं उधर और एचन तो लॉकडाउन हो जाई छे कैंसी आड़े एग्जिबिशन भी जाई नहीं परवा खाली घरे ही बाहर करी करी अंदर बिक्री भजा करू छ और मास आड़ो देसी आनो एग्जिबिशन जो थन सेटा तो है नहीं परवा लॉकडाउन लगी बाहर ही रखी बिक्री करू छ जत ठीक है दोस्तों आप लोग जैसा हर कोई चीज यहाँ बम्बू का मिल सकता है ये देखिए फ्लावर ये शायद कौन सा फ्लावर है देखिए तो ये डालिया फूल जैसा दिख रहा है देखिए डालिया फूल बहुत ही सुंदर है देखिए और इसको ऐसे भी लगा सकते हैं दोस्तों एवं कौन अच्छा है सब बापू का सब निजे बने पकोचा ने बिक्री बटा भल हो छे तो दोस्तों अभी तो लॉकडाउन के लिए शायद इतना अभी नहीं बेच पा रहे हैं ये लोग बाहर जब मेला सब लगता है तो उधर भी जाते हैं बाहर बाहर भुवनेश्वर कहीं भी जाते हैं ऑल इंडिया में दो तीन बरस और दोस्तों ये लोग का जो एसएचजी ग्रुप है वो माँ गंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप है बम्बू क्राफ्ट ये वहाँ का एड्रेस भी है ये मेरा गांव का है देखिए खुद गांव का है और भी महिलाएं हैं लेकिन अभी नहीं आए हैं सब इधर है थी ये सब कला कर दोस्तों ब्लू लैम्प से ये सब कलर किया गया है इधर कितने लगा था इधर दोस्तों ये टेबल लैम्प 700 है दोस्तों ये 120 का है ये 150 ये लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा पसंद आया ये मेरे को देखिए इसका कैसे बनाए हैं देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों देखिए ये 210 का है ना 40 क्लिप ये क्लिप है दोस्तों हेयर क्लिप कितना खुल सकते डायरेक्ट खिंचवाते हैं ऐसे खोलते हैं इसको ऐसा से लगा सकते हैं ये वाला इधर कहते 40 ये ओनली 40 रुपीज दोस्तों बहुत सारा बनाया हुआ है देखिए ये लेटर बॉक्स कहते हैं 160 दोस्तों लेकिन देखने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है ये पेन स्टैंड दोस्तों ये पेन स्टैंड है 80 रुपीज दोस्तों ये वाला फ्रूट बास्केट नहीं गुटे गुटे के साथ दोस्तों 60 पर बास्केट ये 60 रुपीज है ये वाला भी 60 रुपीज है आई मिरर वाला इटा कहाँ है लेटर बॉक्स है कहाँ है इटा
सकड़े हमारा का जो सीनरी ये सीनरी फ्लावर रख कहते हैं दो सकड़े दोस्तों आज का बम्बू क्राफ्ट वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल आजकल यही चल रहा है ज़िंदगी में, और आजकल थोड़ा मैं ज़्यादा बिजी हूँ इसीलिए प्रॉपर वीडियोज बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, अच्छे ढंग से वीडियो नहीं मिल पा रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। सो जैसा भी होगा आगे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो लगातार आप लोगों के पास पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।